फ्रेंड्स, हर मंगलवार को जो हम निफ्टी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी ला रहे हैं उसे आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो और आप लोगों की लाइक्स और कमेंट्स हमें बहुत मिल रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, निफ्टी में आप लोगों का डिमांड तो पहले से ही था कि निफ्टी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी लाए, तो हर मंगलवार को हम आपके लिए निफ्टी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी ला रहे हैं। और एक डिमांड आप लोगों की और भी थी कि कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी लाइए जिसमें कोई इंडिकेटर ना लगाना पड़े, सिर्फ बेस्ड हो प्राइस एक्शन पर। तो आज जो स्ट्रेटेजी हम लेकर आए वो प्योर प्राइस एक्शन पर बेस्ड है, एक भी इंडिकेटर लगने वाला नहीं है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैजिकल ट्रेडिंग। हमने ढेर सारी स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताई है और वो सारी की सारी इंडिकेटर के बेस पर थी। आज जो स्ट्रेटेजी लाया है वो प्योर प्राइस एक्शन पर बेस्ड है। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एंड एक्शन, ये दो शब्द हैं इस शब्द के साथ में। तो हम यहां पर तब एंटर करते हैं जब प्राइस में कुछ ना कुछ एक्शन होने वाला है। एक्शन क्या? एक्शन का मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है। कभी रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है तो कभी सपोर्ट को, और जब भी ऐसा मौका मिल रहा है तो हम लपक कर पकड़ेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेंगे। तो कैसे हम निफ्टी ऑप्शन में ये स्ट्रेटेजी करने वाले हैं प्राइस एक्शन को लेकर, हम सबसे पहले बोर्ड में बताएंगे, फिर ऑन स्क्रीन भी बताएंगे, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद तुरंत आप चेक करिए कि जो भी हमने बताया है तो वो सही जा रहा है या नहीं, वो चार्ट पर चेक करिए। अगर उस समय सही जा रहा है तो पॉइंट नोट्स कर लीजिए कि क्या क्या पॉइंट है इस स्ट्रेटेजी के, और चालू मार्केट में एटलीस्ट 10 दिन तो आप जरूर पेपर ट्रेड करिए, उसके बाद ही आप एक लॉट से रियल ट्रेड करिए। जब एक लॉट से एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर अपना लॉट साइज बढ़ा लीजिएगा। ये ट्रेडिंग की सिंपल टेक्निक है, इस टेक्निक से जो भी चलेगा वो एक दिन जरूर सुपर ट्रेडर बन के रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं कि अपना स्ट्रेटेजी क्या है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रेंड सिर्फ तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला नंबर होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड, या इसे रेंज बाउंड ट्रेंड भी कहते हैं। तो ये तीन ट्रेंड के अलावा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए बहुत सिंपल है ये स्ट्रेटेजी। ये तीन ट्रेंड क्या होते हैं वो आप लोग जानते हैं। अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो उसको अप ट्रेंड कहते हैं, अगर मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, मार्केट बियरिश है, ऊपर है तो बुलिश है, नीचे है तो बियरिश है, नीचे मार्केट जा रहा है तो उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। बस सिंपल सा है, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। तो ये दो ट्रेंड है, एक ऊपर अप ट्रेंड और एक नीचे जा रहा है मार्केट, तो डाउन ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है? ये दोनों के बीच वाला, मींस ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बस वो एक रेंज में ही घूम रहा है, इसको रेंज बाउंड ट्रेंड भी कहते हैं। तो ये तीन ही ट्रेंड होते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में। तो ये तीन ट्रेंड पर हम ब्रेकआउट पर कैसे निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड लेंगे वो देखते हैं। फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, निफ्टी स्पॉट का चार्ट ओपन करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम रहेगा निफ्टी ऑप्शन में, और हमको ऐसी करीब 10 कैंडल, मिनिमम 10, ज्यादा कितनी भी हो जाए 10 कैंडल ऐसी मिलनी चाहिए जो इस तरह से अप ट्रेंड में जा रही हो। तो देखने से ही पता चल जाएगा ये अप ट्रेंड है। उसके बाद क्या करना है, हमको ट्रेंड लाइन खींचनी है। ट्रेंड लाइन हमेशा अप ट्रेंड में नीचे की साइड पर खींची जाती है, मींस सपोर्ट पर ही खींची जाती है। तो यहां से अगर हम इस तरह से जो जितना मैक्सिमम पॉइंट टच होता है ना, ये एक दो ये तीन, तो जितना मैक्सिमम पॉइंट टच हो हमको एक ट्रेंड लाइन खींचनी है। अब जब भी इस ट्रेंड लाइन को कोई भी कैंडल ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद हमको सेल सिग्नल मिलता है। अब वेट कर लेना कि क्लोज होती है या नहीं कैंडल, अगर क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट कैंडल में आप यहां पर सेल कर लेना, और एसएल आप ऊपर लगा सकते हैं। ऑप्शन में कैसे लगाएंगे वो हम फिर ऑप्शन की बताते हैं, पहले हम कंडीशन जान लेते हैं कि अगर अप ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है
तो हमको सेल सिग्नल मिलता है। कैसे मिलता है कि अप ट्रेंड हमको मिनिमम 10 कैंडल ऐसी ऐसी बन जाए 5 मिनट की जो ऊपर की ओर जा रही, तो हम उसके नीचे से जितने भी पॉइंट टच होते हैं मैक्सिमम एक ट्रेंड लाइन खींच लेंगे, एक ट्रेंड लाइन खींच लेंगे, और उसी ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट हमको मिलता है तो उसके नेक्स्ट कैंडल में हम सेल कर देंगे। तो ये होगा निफ्टी ऑप्शन में सेल का सिग्नल अप ट्रेंड के लिए। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है वो देखते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमको मिनिमम 10 5 मिनट की ऐसी कैंडल मिले जो नीचे की ओर जा रही है, जैसे कि ये जा रही है, तो हमको आंखों से ही पता चल जाता है देखने से कि ये क्लियरली डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में हमेशा ट्रेंड लाइन खींची जाती है रेजिस्टेंस पे, मतलब ऊपर की साइड से जितने मैक्सिमम पॉइंट्स मिल सकते हैं उतने हम मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ऐसा खींच लेंगे। अब जब भी ये ट्रेंड लाइन को कोई ब्रेक मिलता है उसकी नेक्स्ट कैंडल में हम को बाय सिग्नल मिल जाता है। फिर से बता दे कि मिनिमम 10 कैंडल 5 मिनट की एसईओ की नीचे के साइड में जा रही है, उसके रेजिस्टेंस के उसके ऊपर से हम एक ट्रेंड लाइन खींच लेंगे और उस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है नेक्स्ट कैंडल पर हम बाय कर लेंगे, तो ये हमको बाय सिग्नल मिल जाता है। तो दोस्तों, अप ट्रेंड का भी देख लिया, डाउन ट्रेंड का भी देख लिया, अब हम देखते हैं साइडवेज ट्रेंड में हमको किस तरह से सिग्नल मिलता है। फ्रेंड्स, जब भी हमको 5 मिनट की कुछ 10 कैंडल किसी एक ही रेंज में घूमते हुए नजर आती है, जैसे ये वाली है, ये एक रेंज में यहां से यहां घूम रही है, तो ऊपर नीचे हो रही है एक रेंज में, तो हम उसको बोलते हैं रेंज बाउंड ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड। ऐसे समय पर हमको इंतजार करना होता है वो ऊपर की ओर इसके लाइन पर इसके रेजिस्टेंस पर ब्रेक कर रही है या नीचे की ओर जो ट्रेंड लाइन बनी है सपोर्ट पर उसे ब्रेक कर रही है। जहां पर भी ब्रेक करेगी वहां पे सिग्नल मिलेगा। अगर हमको ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलता है, मान लो ये यहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिलता है, तो ये इस कैंडल के बाद वाला कैंडल पर हम बाय कर सकते हैं, और अगर हमें नीचे की ओर ब्रेकआउट मिलता है तो इसके नेक्स्ट कैंडल पर हमको सेल का सिग्नल मिलता है। इतना सिंपल है। साइडवेज ट्रेंड जिसमें 10 कैंडल 5 मिनट की ऐसी हो जो एक ही रेंज में घूम रही है, तो उसका हाई रेजिस्टेंस पर एक लाइन खींचेंगे मैक्सिमम पॉइंट को मिलाते हुए, और उसका सपोर्ट वहां पर एक मैक्सिमम पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन खींचेंगे, तो ये रेजिस्टेंस लाइन हो गई ये ट्रेंड लाइन, और ये सपोर्ट लाइन हो गई ट्रेंड लाइन। अब जब भी हमको जहां पे भी ब्रेकआउट मिले, ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो बाय का सिग्नल मिलता है, नीचे ब्रेकआउट मिलता है तो सेल का सिग्नल मिलता है। अब हम तीनों ट्रेंड का अच्छी तरह से समझ गए, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में और साइडवेज ट्रेंड में हमको ब्रेकआउट मिलने पर बाय और सेल का सिग्नल मिलता है। अगर हमको बाय और सेल का सिग्नल मिला तो ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरह से ट्रेड करेंगे वो देखते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमको बाय का सिग्नल मिलता है तो हम कॉल ले लेंगे 100 से 150 के बीच का प्रीमियम, और हमको स्टॉप लॉस लगाना है सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट कितना रखना है हमको, टारगेट रखेंगे हम 1:2 का, मतलब हम 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो मैक्सिमम हमको 30 पॉइंट मिलना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ज्यादा प्रॉफिट उठाना तो वैसा भी आप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग सबसे अच्छा रहेगा अगर हम ट्रेल करते हैं, ताकि हमको बड़ा प्रॉफिट मिलने का भी इसमें चांस रहता है। लेकिन 30 पॉइंट तो आपको डेफिनेटली ब्रेकआउट पर आराम से मिलेगा, आराम से। अब जब हमको सेल का सिग्नल मिलता है तब क्या करेंगे, हम पुट ले लेंगे। कितने का? 100 से 150 का। स्टॉप लॉस कितने का लगा देंगे? 15 पॉइंट का, और टारगेट हमारा रहेगा 1:2, मतलब 30 पॉइंट का हमको प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन अगर हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस गुरुवार को आप लोगों की बहुत डिमांड रही है कि स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पर वीडियो लेकर आइए, तो एकदम एक एडवांस वर्जन का हम स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे करते हैं उसका सीधा सीधा एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो आपको गुरुवार को मिल जाएगा हमारे चैनल पर, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, ये तो हम समझ गए ये स्ट्रैटेजी, किस तरह से ब्रेकआउट पर हम ट्रेड लेंगे, कैसे प्रॉफिट बुक करेंगे, कैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब ऑन स्क्रीन भी इसको देख लेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। लेकिन कुछ बात आप लोगों से करना चाहते हैं कि आप अगर ब्रोकरेज से परेशान है तो पेटीएम मनी नाम का नया ब्रोकर आया है जो सिर्फ 10 रुपए पर ऑर्डर चार्ज कर रहा है, FNO। तो अपना ब्रोकरेज आप बचा सकते हैं अगर आप पेटीएम में
डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करके सिर्फ एक ट्रेड किए आप तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाओगे। और जीरोधा अपस्टॉक एंजल ब्रोकिंग का भी हमने लिंक दे रखा है, अगर उसमें भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करके सिर्फ एक ट्रेड करते हो हमारे लिंक से ओपन करके, तो आप हमारे स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ में सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप हमारे साथ में सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हो। और हर संडे को तो हम लाइव आते हैं दोपहर 1 बजे, तो अगर आप हमारे साथ में लाइव में जुड़ना चाहते हो तो चैनल के नीचे सब्सक्रिप्शन के बाजू में ज्वाइन बटन है, वहां से आप चैनल की मेंबरशिप लेकर हमारे साथ हर संडे को दोपहर 1 बजे लाइव में जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझ लिया हमने बोर्ड पर, अब ऑन स्क्रीन देखते हैं ये स्ट्रेटेजी कैसा काम करती है, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने निफ्टी का स्पॉट का चार्ट ओपन कर लिया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, बस ट्रेंड चेक करेंगे कि ट्रेंड हमको 10 कैंडल वाली कहाँ से मिल जाती। ये एक दिख रहा है डाउन ट्रेंड में, करीब 10 एग्जैक्ट 10 कैंडल है, तो हम इसमें इसके ऊपर में टच करते हुए ट्रेंड लाइन खींच लेंगे। अब देखिए ये ब्रेकआउट हुआ और ये मार्केट अभी चल रही है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, 200-300 पॉइंट का मूव कर गया है। अगर हम प्रीमियम भी लेते हैं 100-150 का, वो तो 200 हो जाएगा आराम से यहाँ पे। ये छोटा ट्रेंड है, जब तक हमको 10 मिनिमम 10 कैंडल का ट्रेंड नहीं मिलता है हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पे हमको पूरा साइडवेज दिख रहा है, तो साइडवेज अब पेन लो को हम मार्क कर लेंगे, जहाँ भी हमको ब्रेक मिला नीचे के साइड में ब्रेकआउट हुआ है तो हम वहाँ पे पुट ले लेंगे। और ये देखिए एटलीस्ट कम से कम 20-30 पॉइंट तो आराम से मिलेंगे यहाँ पे आराम से। इसी तरह से मिनिमम 10 कैंडल होनी चाहिए, ये कुछ दिख रही है 10 कैंडल के आसपास है ये, हम इस पर ले लेते हैं। एक अप ट्रेंड है, नीचे की सपोर्ट से हम ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं और ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, एटलीस्ट यहाँ पे भी हमको 20 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। तो दोस्तों 20-30 पॉइंट आपको ये रेगुलर मिलते रहेंगे, कभी कभी ये बहुत बड़ा जैकपॉट भी दे देता है। अब ये देखिए ये यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है, क्लियरली दिख रहा है 10 कैंडल बनी हुई है, हम इसके नीचे से सपोर्ट से लाइन खींच लेते हैं। आगे पीछे आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, फिर जैसे ही हमको ब्रेकआउट मिला पुट लिया हमने यहाँ से, कम से कम 80 पॉइंट का मूव हो गया है, तो हमको अगर प्रीमियम लेते हैं तो 30-40 पॉइंट कहीं नहीं गए। अब ये देखिए ये एक लंबा ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड ये बहुत लंबा चला है, काफ़ी कैंडल बनी है और उसके रेजिस्टेंस से हमने सपोर्ट लाइन, इस रेजिस्टेंस से हमने ट्रेंड लाइन खींच ली है। और ये देखिए एटलीस्ट 60 पॉइंट ये मूव किया है, मीन्स प्रीमियम में हमको 30 पॉइंट आराम से मिलेगा अगर 100-150 का प्रीमियम हम लेते हैं तो। छोटे छोटे ट्रेंड को छोड़ देना है जिसमें मिनिमम 10 कैंडल हो। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का हम ले लिए, जैसे ही ब्रेकआउट मिला हमने बाय किया कॉल को और यहाँ पे 20-30 पॉइंट आराम से हमने बुक कर लिया। छोटे ट्रेंड को छोड़ देंगे, जो बड़ा है 10 कैंडल या उससे ज़्यादा है तो वही वाला लेंगे और ब्रेकआउट पर हमको ट्रेड लेना है। ये काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा। ये देखिए यहाँ से मार्केट डाउन गया है तो हम यहाँ पर भी ले लेंगे और यहाँ पे भी हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको भी ट्रेंड पहचानना है, ट्रेंड लाइन खींचनी है और ब्रेकआउट पर ट्रेड ले लेना है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर देना, कमेंट जरूर करना, आपकी कमेंट्स हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं इस तरह की और भी वीडियो बनाने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको नोटिफिकेशन पे मिलती रहे। अगली वीडियो लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।